नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल फॉर एमआई सपोर्ट ऑटोमेशन। तो आज हम बात करेंगे एक सॉल्व प्रॉब्लम पे। तो हमारे एक सब्सक्राइबर है मिस्टर मयूर शांगले, तो उन्होंने मुझसे एक कमेंट करके एक क्वेश्चन पूछा है, और सब्सक्राइबर से याद आया कि अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके भी इस तरह के क्वेश्चंस पे हम आपको रिस्पॉन्स दे सके और हमारे वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मयूर शांगले जी ने पूछना है कि उनके पास डेटा है, इस डेटा में से एक जो चार वर्ड 7045 है वो उनको अलग करना है, कैसे करेंगे। चलिए इन्हीं की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे देख पा रहा हूँ डेटा कि मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो 1 डबल डैश एंड 70, तो डबल डैश अगर उनके पास सिस्टम पे है, ध्यान रखिएगा, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा कि इक्वल इन, हमारे पास एक फाइंड का फॉर्मूला होता है, फाइंड डबल डैश कॉमा, इसको सेलेक्ट किया कॉमा कॉमा 1, अच्छा डबल डैश नहीं है, ये है 3 आया। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि स्पेस यहाँ पे, और मैं इसमें एक यहाँ पे आपने देखा कि एक स्पेस और डैश है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ यहाँ पे डैश और स्पेस, क्योंकि हम यहाँ पे डैश और स्पेस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो तीसरा नंबर यहाँ पे आया हुआ है, ये तीसरा नंबर मतलब कि 1 2 3। और तीन में अब जैसे एक डैश और एक और डैश है, उसके बाद स्पेस है, तो 3 4 5, मतलब कि यहाँ पे 3 और हम ऐड कर देंगे तो 6 डिजिट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे मिड का, कि मिड हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे कॉमा, छठे नंबर से स्टार्ट होगा और 4 करेक्टर हम लेंगे। यहाँ ऐसा एक स्पेस और है, इसमें स्पेस बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे स्पेस है, इसको आप हटाए स्पेस को चाहो तो हटा दे सकते हो। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि मैं पहले ट्रिम का फॉर्मूला लगा के इसमें से स्पेस को हटा दूं, नहीं यहाँ पे 4 के जगह पे आप यहाँ पे +1 कर देता हूँ, 6 +1, तो ये नंबर आ गया। लेकिन इसमें स्टार्टिंग में कई सारे स्पेसेस थे, इस कारण से ऐसी दिक्कत हो रही थी। अगर आप सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाते और सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में बोलते कि इसमें से जितने भी स्पेस हैं उसको रिमूव कर दो, तो ये सारे स्पेस रिमूव हो जाता, तो आसानी से हम क्या करते हैं यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला या सर्च का फॉर्मूला लगाते हैं, और इसमें डबल डैश को लेते एंड कॉमा, इसको सेलेक्ट करते एंड कॉमा 1, तो ये आपका डबल डैश कहाँ से स्टार्ट है उसका आ जाता। तो डबल डैश हमारा 2 करेक्टर है, तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो रिजल्ट 4 होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगाएंगे, कि मिड हम टेक्स्ट को सिलेक्ट किया एंड कॉमा, मिड में हमने स्टार्ट नंबर 4 + 1, नंबर करेक्टर 4 चाहिए, हमने ले लिया 4 + 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 705 रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब ये रिजल्ट आपके लिए, आशा करता हूँ कि आपके लिए सही होगा, इसको सबको आपस में मर्ज करके आप कर लेंगे यूज, तो ये आपके लिए सुटेबल हो जाएगा। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, आप अपने डेटा पे इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करने के बजाय डायरेक्ट मुझे कॉल करें, क्योंकि कमेंट्स को हम तुरंत नहीं देखते हैं, क्योंकि मेरे पास पर डे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मेरे पास 14 घंटे की ऑलरेडी क्लासेस होती है, तो कमेंट पे हम रिस्पॉन्स बड़ी लेट देते हैं। लेकिन मैं इसके लिए अपने स्क्रीन पे नंबर दे रखा है, आप मुझे नंबर कॉल कर ले, व्हाट्सएप कर ले,
और मेरे साथ आप लाइव सीखना चाहते हो तो सीख सकते हैं। मेरी वेबसाइट iptindia.com पे डेमो क्लास का फॉर्म भर के 2-4 क्लास डेमो लेके देखें, हमारी ऑनलाइन क्लास आपके लिए सुटेबल है, तो आप ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं हमारी डीवीडी पेन ड्राइव परचेज करना, तो आप मेरी पेन ड्राइव को भी परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाए, वहीं पे डिटेल्स मिल जाए। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू, बाजू दीजिए, हैव अ नाइस डे।